हेलो गाइस, दिस इज खुर्शीद। ऑब्वियसली आप मेरे को रोडीज एक्सट्रीम से जानते हो। अब ये साल का मैं एक कंटेस्टेंट हूँ। लास्ट एपिसोड आपने देखा सुरभि राणा और सोनू जाट ने जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया है। ऑब्वियसली काफी लोग मुझे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जब वो मेरे पे पुकार रहे थे, जब वो मेरे को ऐसा ट्रीट कर रहे थे, मैंने रिप्लाई क्यों नहीं किया। पहले मैं सोनू के बारे में कहना चाहूंगा। सोनू मेरा कोलकाता से दोस्त था, मैं उसे जेन्युइनली फ्रेंड मानता था। जब वो मुझे पुकार रहा था, मेरे को गाली दे रहा था, जब मैं एक्चुअली शॉक था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मतलब मेरे से शायद कुछ गलती हो गई जिस वजह से वो इतना गुस्सा हो गया है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये सोच रहा था कि शायद इसका गुस्सा जब ठीक हो जाए, वो मिसअंडरस्टैंडिंग में क्लियर कर सकता हूँ और फिर वापस हमारी दोस्ती हम कायम कर सकते हैं। स्पेसिफिकली काफी लोग ये बोले कि जब मेरे को वो नौकर बोला, व्हाई डिडंट आई रिएक्ट। मेरे घर में काफी नौकर है, काफी लोग, काफी काम करने वाले लोग हैं और मैं उनके साथ बड़ा हुआ। मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे घर में जितने भी लोग काम करते हैं, और एवरी नौकर इन दिस वर्ल्ड, नौकर का डेफिनेशन इज एक्चुअली जो इंसान काम करता है, जिसके पास काम है। तो आई डू रेस्पेक्ट दैट वर्ड एज वेल एज जो काम करते हैं लोग। तो मुझे एक्चुअली बुरा नहीं लगा। सुरभि राणा के बारे में मैं बताऊं तो क्या बताऊं, उनको एक्चुअली मेरे से कुछ प्रॉब्लम थी नहीं। अगर आप वो कॉन्वर्जेशन पढ़े तो उन्होंने बोल रहे कि एक इंसान जब कुछ करना चाहता है तो अब पीछे आके चपेट चपेट करता है, मतलब फोकस करना है। इनका एक्चुअल जो कॉन्वर्जेशन था वो, उनका मीनिंग ये था कि उन्होंने टास्क पे परफॉर्म करना चाहते थे, पर मैं उनको आके पीछे एक सेंटेंस बोल दिया जिसकी वजह से उनका पूरा फोकस हट गया। तो उनको वो चीज़ से प्रॉब्लम थी, लेकिन बेचारों को एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन गैंग लीडर्स पे थी और लड़कियों पे थी, क्योंकि जो टास्क था आई साइज बेबी, उसमें गैंग लीडर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी बताना था, उसमें उनका नाम आया नहीं। उसके बाद जो लड़कियां थी उनकी, उसके बाद भी उन लड़कियों में भी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी नहीं, जिस वजह से उनका सिलेक्शन हुआ नहीं। तो वो फ्रस्ट्रेटेड एक्चुअली मेरे पे नहीं थी, अतराफ के लोगों पे थी। लेकिन बोलते हैं ना, किस्मत मेरी खराब थी कि मैं उनको एक्चुअली बड़ी नहीं मानता था, और उनको पता था कि अगर वो जब मेरे पे पुकारेंगे तो ऑब्वियसली मैं पोलाइटनेस में वापस खामोशी बैठूंगा, तो इस वजह से मैं उनको रिप्लाई दिया नहीं।